आज हम लोग बात करेंगे 10 रीजंस फॉर शोल्डर पेन। सबसे पहला है फ्रोजन शोल्डर, जिसमें कोई पुरानी इंजरी होने की वजह से जॉइंट्स में स्कारिंग आ जाती है मसल में, जिसके से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। दूसरा है डिसलोकेशन, जिसमें शोल्डर जॉइंट में से ह्यूमरस निकल आता है बाहर। तीसरा है सेपरेशन, सेपरेशन में जो आसपास का मसल्स होते हैं टेंडन और लिगामेंट वो फट जाते हैं। चौथा है इंपिंचमेंट सिंड्रोम, जब बार बार कोई स्पोर्ट्स खेलने की वजह से मसल्स के बीच में हड्डी अटकती हो या मसल में इंजरी हो, जिसकी वजह से जब मूवमेंट करते हैं तो शार्प शूटिंग पेन होता है, उसको बोलते हैं इंपिंचमेंट सिंड्रोम। दूसरा है क्लेविकल का फ्रैक्चर, जिसमें अगर फ्रैक्चर इस कॉलर बोन में होता है तो भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है और पेन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आता है टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो अर्ली फेजेस ऑफ स्पोर्ट्स में होती है, अगर आपकी टेक्निक गलत है तो मसल में इंजरी होने की वजह से पेन आना चालू होता है, अगर वो आप एक्शन करते हैं तो। इसके अलावा होता है रेडिएटिंग पेन या रिफर्ड पेन, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन की वजह से या एक्स्ट्रा गैस होने की वजह से भी शोल्डर में पेन आ सकता है, हार्ट अटैक की वजह से लेफ्ट शोल्डर में भी पेन आ सकता है। आठवां है लैब्रम टैर। क्या होता है, शोल्डर जॉइंट के बीच में लैब्रम होता है जो फ्रिक्शन को बचाता है, धीरे धीरे वो अगर फटने लगता है तो भी पेन आता है। नौवां है बर्साइटिस, शोल्डर को मूव करने के लिए छोटे छोटे बॉल्स जैसे होते हैं जो लुब्रिकेशन जैसे हेल्प करते हैं, जिसमें फ्रिक्शन लेस मूवमेंट होता है, अगर उसमें सूजन आती है तो उसे बर्साइटिस कहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस शोल्डर में, जिसमें दोनों जॉइंट्स के बीच का सारा लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है और जॉइंट्स की फ्रिक्शन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। अगर आपको इसमें से कोई भी मेडिकल कंडीशन है शोल्डर की तो हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। हम हैं डॉक्टर बुलाव, आपका होम फिजियोथेरेपिस्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट